अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत से दोस्त आजकल ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत से काम ऐसे जो अजूबा नज़र आता है, दुनिया में बहुत से अजूबे आजकल नज़र आने लगे हैं। मेरे ख्याल में ये अजूबा जो मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूँ, इसका ये दुनिया की पहली होगी। आखिरकार ये तो होना ही था, दुनिया में पहली तो रोबोट को कंपनी का CEO मुकर्रर कर दिया गया। दुनिया में पहली मरतबा रोबोट को कंपनी का CEO बना दिया गया। और ये हैरतअंगेज़ वाकया नी चीन में रोनमा हुआ है। ये खातून रोबोट है जो मसनूई ज़हानत के तहत काम करती है। इन्हें मिसेस टांगकियो का नाम दिया गया है, जो 10 अरब से ज़्यादा डॉलर कंपनी कमाने वाली गिनीज मजबत चला रही है। इसे मशहूर गेम सास कंपनी नेटर ड्रैगन वेबसॉफ्ट की CEO बना दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ख्याल है कि मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और वो बेहतरीन अंदाज में फैसला साजी दे सकती है। इस तरह खुद कंपनी को अपना कारोबार बनाने में भी मदद मिलेगी। टैंक यू तमाम मामलों को सीधा रखने, काम का मयार बनाने और इन पर अमल दरामद की रफ्तार तेज रखने के लिए मदद फराहम करेगी। नेटर ड्रैगन वेबसाइट ने कहा कि रियल टाइम हकीकी वक्त में डेटा का तजिया करके और माकूल तरीन फैसला करने वाली ये टैंक यू बहुत ही कारामद है, बहुत ही काम आने वाली है। ना ही इसके अंदर जज्बात है, ना ही इसके अंदर एहसास है, ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई बीमारी। ऐसे तो बहुत पहले होना चाहिए। कंपनी के मुताबिक टैंक यू चूँकि इंसान नहीं है और उसका तासब और वो तासब से पहला तरफ होकर कंपनी की हर मुलाजिम के लिए यकसा तौर पर और अहम यकसा मौके पर अहम यकसा फैसले करेंगी। फिर अगले मरहले में टैंक यू की एल्गोरिथम को मजीद शिफाफ बनाकर मेटावर्स को मजबूत बनाने का कहा जाएगा। ये छोटी सी तहरीर आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर दी कि हम लोग आजकल ख्वाहिशात का रोना रो रहे हैं, हम लोग एहसास का रोना रो रहे हैं, और दुनिया कहाँ से कहाँ तक निकल गई और हम वहीं की वहीं दंस रहे।